6 करोड़ रुपए की हीरोइन को पकड़ा है उधमपुर पुलिस ने, और ये 6 करोड़ की हीरोइन एक गाड़ी से पकड़ी गई है चनैनी के पास से। ये शख्स जो इस हीरोइन को स्मगलिंग कर ले जा रहा था, इसने उधमपुर में ये किसी को कंसाइनमेंट देना था, लेकिन चनैनी के पास ही इसे पकड़ा गया और इससे जो है हीरोइन बरामद हुई है, और इस हीरोइन की जो कीमत है वो लगभग 6 करोड़ रुपए है। राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय। खबर जो है उधमपुर से आ रही है। उधमपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उधमपुर पुलिस ने एक गाड़ी को रोका जिस गाड़ी से लगभग 6 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिली है। पूरी खबर क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कल शाम को एक स्पेशल जो नाका टीम थी उन्होंने चनैनी के ही आसपास, ये चनैनी पुलिस ने ही पूरी कार्रवाई की है, और उन्होंने एक गाड़ी को रोका जिसके ऊपर उनको शक था। उस गाड़ी से लगभग 700 ग्राम हीरोइन जो है वो बरामद हुई है, जिसकी लगभग इंटरनेशनल मार्केट में जो कॉस्ट है वो 6 करोड़ रुपए के करीब है। और जिस व्यक्ति को उस गाड़ी से हिरासत में लिया उसका नाम है मोहम्मद अशरफ, ये रहने वाला कुलगाम कश्मीर का है। इससे ये लगभग 6 करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है बरामद हुई है। ये एक ड्रग पेडलर था और इसने जो है ये ड्रग्स उधमपुर में बेचनी थी, लेकिन चनैनी के पास जो है इसे हिरासत में ले लिया गया। इसके अंदर मैं आपको बता दूं FIR रजिस्टर हो चुकी है चनैनी पुलिस स्टेशन में और पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें मैं मुबारकबाद दूंगा DIG उधमपुर रियासी रेंज रईस भट्ट जी को, साथ में SSP अमोद नागपुरी जी को, और साथ में SHO चनैनी जसविंदर सिंह जी को, जिनकी वजह से ये पूरा एक नेक्सस के ऊपर जो है स्ट्राइक हुई है। और मैं इसमें एक चीज़ आपको और बता दूं कि पुलिस लगातार जो है ड्रग्स को यहां पर रोका जाए इसके खिलाफ जो है लगातार काम कर रही है। मैं एक बार फिर से SHO जसविंदर जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उनकी पूरी टीम ने जो इस गाड़ी को पकड़ा और इस व्यक्ति को जो है पकड़ा है जिससे कि ये ड्रग्स बरामद हुई है। एक बार फिर से सुन लीजिए इस शख्स का नाम, इसका नाम है मोहम्मद अशरफ और ये रहने वाला कुलगाम का है। ये ड्रग्स इसने उधमपुर में बेचना था या जिसको भी कंसाइनमेंट देना था। देखते रहें JK मीडिया। धन्यवाद जी। राम राम।